तो 6 फरवरी 2024 को ये निर्णय लिया गया था, अनाउंसमेंट की गई थी कि अक्षय पात्रा फाउंडेशन को 4000 एपिसोड्स पूरे होने के उपलक्ष्य में 4000 मिड डे मील, प्रधानमंत्री मिड डे मील योजना है, वो 4000 बच्चों को प्रोवाइड की जाएगी। बहुत मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है, और ये सारा क्रेडिट हमारे शो के सर्जक असद कुमार मोदी जी को जाता है और हमारे सारे एक्टर्स, हमारी पूरी टीम, हमारी पीआर टीम, हमारी साउंड दादा, हमारे स्पॉट दादा, हमारे डायरेक्शन टीम, हमारे आर्ट डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट का क्रेडिट इन इसके लिए जाता है उनको। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन श्रॉफ और आप मुझे देख रहे हैं बजूका टीवी पर। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम टू बजूका टीवी। मैं हूं शिवम और आज हम आ चुके हैं तारक मेहता का सेट पर। जी नहीं, तारक मेहता बोलना, तारक मेहता का उल्टा चश्मा बोलना, ये आई थिंक ये ठीक नहीं होगा। लार्जर देन लाइव शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सेट पर, और आज हमारे साथ है सचिन श्रॉफ जी। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर, फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाउ आर यू? ऑल वेल, ऑल वेल। लेकिन असित मोदी सर ने जो ये इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है, तो व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दिस? देखिए, हमारे शो के जो सर्जक हैं असित कुमार मोदी जी, उनका ये मानना है कि जब सोसाइटी आपको इतना देती है, जैसे कि इतना प्यार देती है, इतना सम्मान देती है, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम सोसाइटी को कुछ ना कुछ वापस दें। तो 6 फरवरी 2024 को ये निर्णय लिया गया था, अनाउंसमेंट की गई थी कि अक्षय पात्रा फाउंडेशन को 4000 एपिसोड्स पूरे होने के उपलक्ष्य में 4000 मिड डे मील, प्रधानमंत्री मिड डे मील योजना है, वो 4000 बच्चों को प्रोवाइड की जाएगी, और बस वो आज पूरा किया है। लेकिन ये इतना बड़ा इनिशिएटिव लेना, अपने कार्यकाल से थोड़ा टाइम निकाल कर बच्चों के लिए, जो बूढ़े हैं, जो जिनका कोई देखने वाला नहीं, उनके लिए इतना टाइम निकालना, ये इट्स अ ग्रेट थिंग, इट्स अ वेरी बिग थिंग, राइट? बिकॉज़ देखिए, हमारा जो शो है ये उनके आशीर्वाद के वजह से ही चल रहा है। हमारे जो ऑडियंस हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, और ये सब इतना ज़्यादा प्यार देते हैं, तो हमारा भी तो फ़र्ज़ बनता है कि हम सोसाइटी से अगर कुछ ले रहे हैं, हम सोसाइटी को कुछ वापस दें। शो की बात करें, लार्जर देन लाइफ शो, जैसा मैंने पहले भी कहा, इतने सालों से इतनी मोहब्बत लोगों ने दी है, मोर देन 4000 एपिसोड्स, मोर देन 15 ईयर्स, how do you see this? I mean, देखिए, आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। ये सब ऑडियंस का आशीर्वाद है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि ये शो आज 16वें साल में मतलब कदम रख चुका है, और ये मतलब आसान नहीं होता किसी भी शो को इतना लंबा चलना, उसके स्टोरीज़ पे बार बार काम करना, उसके हर चीज़ पे ध्यान रखना, हर सबको बांधे रखना, ये आसान नहीं होता, ये बहुत मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है। और ये सारा क्रेडिट हमारे शो के सर्जक असद कुमार मोदी जी को जाता है, और हमारे सारे एक्टर्स, हमारी पूरी टीम, हमारी पीआर टीम, हमारी साउंड दादा, हमारे स्पॉट दादा, हमारे डायरेक्शन टीम, हमारे आर्ट डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट का क्रेडिट इन इसके लिए जाता है उनको। लेकिन आप अपनी जर्नी को कैसे देखते हैं, अपने रोल को, अपने किरदार को, अब बीच में आए, ज़्यादा पहले से आप नहीं हैं, लेकिन आपने जो लोगों से प्यार मिला है, जो जर्नी आपकी रही है, हैज़ बीन इनक्रेडिबल। सो बेसिकली व्हेन आई एंटर द शो, दिस वाज ऑलमोस्ट इन द 14th ईयर, एंड मैंने इस शो में जब कदम रखा था तो मेरे लिए सब कुछ बहुत नया था, बट असित मोदी जी ने मुझे ये आश्वासन दिया कि हमारा पूरा का पूरा सपोर्ट आपके साथ है। सारे एक्टर्स ने बहुत बहुत सपोर्ट किया, कई बार स्क्रिप्टिंग जो रीडिंग होती है ताकि हम गिव एंड टेक सही तरीके से कर सकें, तो सारे एक्टर्स ने बहुत बहुत सपोर्ट किया इसमें मुझे। लेकिन थोड़ा मुश्किल रहा आपके लिए, कितना टाइम लगा कंफर्टेबल होने के लिए शो के साथ? हर जो चीज़ जब आपको मुश्किल लगती है तभी आप उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। जब आप स्टेज पे जाते हैं, चाहे आपका वो 100 परफॉर्मेंस हो या 1000 परफॉर्मेंस हो, आपके पेट में जब बटरफ्लाइज आती हैं तभी आप पूरी की पूरी एनर्जी डालते हैं उसके अंदर। असित मोदी साहब इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं, उनकी बॉन्डिंग आपके साथ कैसी है? बहुत अच्छी है। द डे व्हेन आई वाज गोइंग टू जॉइन, ही सेड के आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमारा पूरा सपोर्ट आपके साथ है। हो सकता है कि कई बार लोग आपको एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा वक्त लगाएं, लेकिन घबराइएगा मत, आप अपना काम दिल लगा के करिएगा, और बस मैं दिल लगा के काम करता रहा, और उसके वजह से धीरे धीरे लोगों का जो नज़रिया है वो बदलता चला गया। अच्छा, लोग मीम्स बहुत बनाते हैं आप लोगों के शो के, मीम्स इन द सेंस की पॉजिटिव मीम्स, ये सारी चीज़ें होती है, बहुत रील्स बनते हैं, आप देखते हैं वो सारे? पॉजिटिव और नेगेटिव मीम्स उसी शो की बनती है या उसी बात की बनती है जो फेमस होता है। तो मैं तो कहूँगा कि इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। थैंक यू।
थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस. आई थिंक हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है. लास्टली एनी मैसेज टू द व्यूअर्स टू द फैंस? बस आप अपना आशीर्वाद अपनी कृपा हम पर ऐसे ही बनाकर रखें और देखते रहें तारक मेहता का उल्टा चश्मा. देखते रहिए, हंसते रहिए.